रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव से मिलने एमपी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जेल पहुंचे। मुलाकात के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि देवेंद्र ने जो किया वो कोई गुनाह नहीं, भाजपा ने देवेंद्र को फंसाया, देवेंद्र के हौसले अभी भी बुलंद हैं। देवेंद्र मामले में जेल मैनुअल का पालन नहीं हो रहा है, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, सरकार जानकर चालान पेश नहीं कर रही है। वहीं देवेंद्र यादव को परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। दुर्घटना हुई थी उसमें जो मूल अपराधी थे वो तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, वो तो बाहर हैं। और रही बात सरकार का फेलीवर था, अकर्मण्यता थी, प्रशासन का फेलीवर था, वो सब छुपाना है तो किसी न किसी के ऊपर ठिकरा फोड़ना है, तो उसमें देवेंद्र यादव जी के ऊपर ठिकरा फोड़ा गया। कानून है इस देश में, अदालतें हैं और न्याय भी होता है। जब अल्टीमेटली कोर्ट से रिजल्ट आएगा जमानत के बाद भी, तो भी दोषी सरकार और उसके ही नुमाइंदे निकलेंगे, फेलिवर प्रशासन का और सरकार का ही निकलेगा। जहाँ तक देवेंद्र का प्रश्न है, ये कांग्रेस पार्टी के विचार और उसके ब्लड को जीने वाला व्यक्ति है। कांग्रेस पार्टी की वो विचार जिसमें देश की एकता, अखंडता और देश की आज़ादी के लिए शहादत देने वाले विचार का व्यक्ति है। हम जब जेल से मैं बाहर आ रहा था तो तीन पट्टिकाएँ लगी है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम अंकित है, तो मैं मानता हूँ उस विचार को जीने वाले लोग हैं हम। तो अल्टीमेटली सरकार के फेलीवर अपनी जगह और कानून पे हमें न्याय भरोसा है।